भी तो उससे प्यार करता था। तू प्यार करता था उससे, तूने क्यों किया किसी और लड़की के साथ? हे गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपको और भी अच्छा करने लेके आई आपके रेट से बहुत ही धमाकेदार वीडियो। तो यार, आप लोग इनको जानते होंगे, जैस्मिन मेरी कज़न है, और वैभव को भी जानते हो, जीजू जिनके साथ मैंने बहुत सारे ऑलरेडी प्रैंक्स किए हैं, उनका बहुत बार काटा है ना। तो यार, अब इन्होंने बोला भाई मुझे तो लेना बदला। अब बदला पहले इनको बदला चाहिए। अब बहन बहन का साथ नहीं देगी तो कौन देगा यार। तो यार बहुत ही मजा आने वाला, वीडियो बहुत ही ज्यादा सीरियस होने वाली है। अब रिएक्शन जो आने वाले आप चलकर देख ही लेना, बाकी जीजू आने ही वाले। एक बार कॉल करो, कॉल करके पूछ लेती हूँ यार ये लेट क्यों करता है तेरा बंदा हमेशा। करो 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 करो, फोन नहीं उठाएगा। हेलो, कहाँ पहुँच गए आप? बस 5-7 मिनट में पहुंच रहा हूँ, क्या हुआ यार? आ रहा हूँ। जनाब, तुम्हारी होने वाली वाइफ भी आ चुकी है, अब जल्दी आ जाओ यार, अब तुम लेट करोगे ना देख लेना फिर। अरे आ रहा हूँ यार, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ट्रैफिक ज्यादा हो रहा है, 5-7 मिनट में पहुंच रहा हूँ। और सुनो। हाँ? यार ये जैस्मिन है ना बहुत ज्यादा नाराज है, वो डिप्रेस्ड है, तुमने वीडियो बनाई थी क्या कोई? चलो तुम आओ, मैं आके बात करती हूँ तुमसे इस बारे में। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे भी बताना था कुछ ना। ठीक है, ओके आ रहा हूँ। तो यार अब सेटअप कर लेते हैं थोड़ा सा, कैमरे को डाल दिया हमने ऑटो जूम पे, ठीक है? अब थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लेते हैं, सब कुछ सेट कर लेते हैं सारी चीजें, और फिर देखते हैं वीडियो में क्या मजा आने वाला है। आगे आगे, बिल्कुल सही एक्टिंग करो, नहीं मारूंगा तुझे। वैभव देखो ना जैस्मिन को क्या हो गया, इतनी देर से उठ नहीं रही है यार। ठीक हो गया यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा जैस्मिन। जैस्मिन उठ प्लीज यार, तेरे को पता है ना मैं तेरे बिना बिल्कुल नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी तेरे बिना, तुझसे कितना प्यार करती हूँ तेरे को पता है ना यार। तुम्हारी वजह से मेरी बहन मर गई, तुमने मेरी बहन का खून किया। मैंने नहीं किया यार, मुझे नहीं पता है क्या हुआ। तुम्हें पता था ना मेरी बहन तुमसे कितना प्यार करती है, तुमने फिर भी जाके सीपी में जाके एक लड़की के साथ वीडियो शूट की, तुम्हें पता कितना प्यार करती थी वो। यार तुम्हें प्यार की तुम लड़कों को वैल्यू ही नहीं होती। ऐसा नहीं है यार, ऐसे मत बोलो। यार मुझे नहीं पता ये सब कैसे, मुझे बॉर्डर लग रहा है यार, इसने कैसे कर लिया, मुझे नहीं समझ में आ रही कुछ यार। मैंने तुम्हारी वजह से मेरी बहन मर गई, तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी मैं। अरे नहीं समझी ना, और उसने ये सब क्या कर लिया। तो एटलीस्ट यार मुझे उसको मेरे से बात तो करनी। तुमने मेरी बहन को मारा, मैं पुलिस को कॉल करूंगी, मैं पुलिस को कॉल करूंगी, तुम जेल जाओगे, उम्र कैद होगी, तुम्हें फांसी होगी, तुमने मेरी बहन का खून कर दिया। तुम्हें पता है वो तुमसे कितना प्यार करती थी, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई वैभव यार, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने अपनी बहन को खो दिया। जैस्मिन प्लीज तुझे पता ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तो बहन आना मेरी, प्लीज उठना, प्लीज उठना, आई लव यू, यू नो ना, उठ रे यार। तुमने मेरी बहन को मार दिया। नहीं मारा। तुम्हें पता था वो तुमसे कितना प्यार करती है, फिर भी तुमने किसी और लड़की के साथ ये सब किया यार। यार, यार वो मेरी कलीग है, हम लोग मार्केटिंग करने के लिए। वो ये चीज नहीं समझी, वो रात से ही डिप्रेशन में थी, और उसने मैं आई तो देखा भाई उसने क्या से क्या कर लिया यार। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई? तुम जैसे चूत लड़के ना किसी के लायक नहीं होते, जो एक लड़के के दिल के साथ खेलते हो, और तुम्हारी वजह से लड़कियां सुसाइड कर लेती है क्योंकि तुम लॉयल नहीं रह पाती। तुमने किया उसे, तुमने मार दिया उसको, समझो बात को। मैं उसके साथ क्या डेट मार रहे थोड़ी क्या था? तुम्हें पता था ना वो किसी और लड़की के साथ तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर भी तुमने किया। मैं पुलिस को कॉल करूंगी, तू जैसे इंसान को मैं फांसी दिलाऊंगी, तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आई ना, तूने मेरी बहन को मार दिया, मैं बताऊंगी तुझे, अब मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। नहीं मैं फोन करूंगी, मैं बताऊंगी लोगों को, सबको बताऊंगी कि तूने मेरी बहन का खून किया है, तुझसे कितना प्यार करती थी वो यार, इंसान। मैंने नहीं किया यार। हेलो हेलो सर, ये एक लड़का है यहाँ पे, और इसने ना मेरी बहन का खून कर दिया यार। यार जैस्मिन तुम देखो ना क्या कर रही हो, आप आ जाओ हाउस नंबर 1। हाँ हाउस
प्लीज अब जल्दी आओ, प्लीज अब जल्दी आ जाओ, इसने भी ये खून यहीं पे है, इसने मारा मेरी बहन को, अब जल्दी आ जाओ, प्लीज प्लीज जल्दी आ जाओ। अब पुलिस आएगी, तुझे बताएगी तूने क्या से क्या किया ना, तुझे पता चलेगा कि एक लड़की के दिल के साथ खेला, तुझे इतनी शर्म नहीं आई? कितना प्यार करती थी वो तुमसे यार, तुम लड़के कभी नहीं समझते ना, इसलिए लड़कियां सुसाइड कर लेती है, इसलिए लड़कियां सुसाइड कर लेती है, मर जाती है लड़कियां तुम्हारे प्यार में। यार तुम ऐसे प्यार करता हूँ यार, लेकिन कैसे हुआ मुझे नहीं समझ में आ रही है। तुम्हें पता था वो तुम्हें किसी और लड़की के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर भी तुमने सीपी शूट किया, एक लड़की के साथ तुम बैठे थे, सब कमेंट्स भी कर रहे थे कि कितना ज्यादा वहां पे जैस्मिन नहीं है, तुम किसी और लड़के के साथ तो तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई। उस दिन कितना ड्रामा कर रहे थे प्रैंक में कि मैं बहुत प्यार करता हूँ इससे, ये प्यार करते हो किसी और लड़की के साथ शूट कर रहे थे, शेम ऑन यू। तूने मेरी बहन को मारा है, मैं तुझे इसकी सजा दिलवा के रहूंगी, तुझे समझ आएगा क्या कौन हूं मैं, तुझे समझ आएगा, तूने मेरी बहन का खून किया है, तूने ही किया इसका खून, तेरी वजह से इसने सुसाइड किया है, तेरी वजह से। नहीं उठेगी वो कभी, कभी नहीं उठेगी वो, मर गई है वो, मर गई है। नहीं तू तू मरेगा, तू जेल में जाएगा ना, तुझे फिर समझ आएगा। तूने एक एक लड़की का खून कर दिया वैभव, तूने एक लड़की का खून कर दिया। नहीं तुम्हारी ना दम नहीं है ना, तुम खुद को मारोगे, तुमने उसे मार दिया। खत्म कर लेता मैंने सौ नंबर पे फोन लगा दिया, अब तुझे समझ में आएगा कि तूने क्या किया है, तूने एक मासूम लड़की का खून कर दिया जो तुझसे इतना प्यार करती थी। यही तो होता है, लड़कियां छत से कूद जाती है, लड़कियां हाथ काट लेती है, नस काट लेती है, फांसी ले लेती है, सिर्फ तुम लड़कों की वजह से ही तो, सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम उनके लिए लॉयल नहीं रह पाते, उनको सीरियस नहीं लेते, उनकी प्यार की कदर नहीं करते। यू हैव टू पे फॉर दिस वैभव, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुझे समझ में आएगा अब की तुझे इसका भुगतान करना पड़ेगा, तूने जो किया है ना तुझे समझ में आएगा, रोने से कुछ नहीं होगा, मगरमच्छ के आंसू मत बहा, तूने मेरी बहन को मार दिया, अब तुझे समझ में आएगा, अब आएगा तुझे समझ, भगवान सब देखता है, तू भी ऐसे जिंदगी भर तड़पेगा किसी के लिए, रोएगा जिंदगी भर, वो तुझे कभी नहीं मिलेगा, अब तुझे सिर्फ जेल ही नसीब होगी, सिर्फ जेल। तूने मेरी बहन को मार दिया, मैं अपनी बहन को वापस ही कभी नहीं ला पाऊंगी, मैं अपनी बहन को वापस कभी नहीं ला पाऊंगी, लेकिन मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी ना, मैं तुझे भी जिंदगी भर तड़पाऊंगी, जिंदगी भर। पुलिस आने वाली है, तुझे अच्छे से पता था वो तुझसे कितना प्यार करती है, फिर भी तूने शूट किया किसी और के साथ जाके, किसी और लड़की के साथ बैठा था तू, अरे तू, तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आई ना, तुझे बिल्कुल कदर नहीं थी ना उसके प्यार की, मर गई वो मेरी बहन, मर गई। अरे तो तेरी बहन थी तो मैं भी तुझसे प्यार करता था। तू प्यार करता था उससे, तूने क्यों किया, किसी और लड़की के साथ क्यों बैठा था तू, सीपी बता ना क्या कर रहा था ना। अरे यार लंच टाइम था, मार्केट करने गया हुआ था, सिर्फ 10 मिनट के लिए बाहर बैठा था यार। अब तुझे समझ में आएगा, अब तुझे समझ में आएगा, मेरी बहन तो कभी जिंदगी भर वापस नहीं आ पाएगी, पर मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी ना, ये छोटी चीज नहीं है, मेरी बहन मर गई है, मेरी बहन मर गई, तूने मेरी बहन का खून कर दिया, मार दिया मेरी बहन को। यू हैव टू पे फॉर दिस वैभव, पुलिस आने ही वाली है बस अभी, 5-10 मिनट में पुलिस आ जाएगी और तुझे लेके जाएगी यहाँ से, तुझे समझ में आएगी यार, समझ आएगी तुझे, तेरे साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, तेरे साथ ऐसा होगा, मेरी बहन वापसी जाएगी, लेकिन मैं तुझसे बदला लूंगी ना, सारा इल्जाम तेरी वजह से उसने सुसाइड किया, तुझे समझ आएगा। अच्छा तू ये चाहता है कि तू इतना बड़ा काम करने के बाद भी तुझे मैं दुनिया में क्राइम करने के लिए छोड़ दूं, कल को तू फिर किसी और लड़की का दिल दुखाएगा और किसी और की बहन मर जाएगी कल, अब तुझे समझ आएगा ना। कितना प्यार करता हूं, कितना प्यार करते हो किसी और लड़की के साथ, एक दिल से प्यार होता है ना किसी के साथ। यही तो बोला था कि हाँ थोड़े टाइम से शादी करने वाला हूँ, यार मैं कौन सा करने वाला हूँ, वो एक्चुअल में उस लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला था, क्योंकि वो लड़का उसे गंदी नजरों से देख रहा था, उसके साथ बैठने के लिए बोला था, उसको प्रोटेक्ट कर दिया, लेकिन मेरी बहन दुनिया से जा चुकी है, शी इज नो मोर वैभव। समझ नहीं आई तुझे, उसके प्यार की कदर नहीं हुई बिल्कुल भी, शर्म करो यार।
मार डाला तूने मेरी बहन को, मार डाला। ठीक है, मुझे भी नहीं जीना यार, मैं भी काट लेता हूँ। मुझे नहीं जीना इसके बिना यार, मैं क्या करूँगा यार। सुनो प्लीज, डोंट ट्राई प्लीज 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 जीजू, डोंट ट्राई। सुनो ना, मत रो यार, प्लीज डोंट ट्राई। सुनो, तो मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। बोलो। लगी क्या? थोड़ा सा यार। क्या हो गया? तो शर्म नहीं आती यार ये मजाक करने की बात होती है। ओ बेबी, तुम ठीक हो यार? रोज ना यार, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मैं जा रही हूँ। मैंने नहीं किया यार, इसका प्लान था, इसने बोला था। प्लीज यार वैभव, सॉरी। इतनी जोर का थप्पड़ कौन मारता है बेशरम? हाँ, यार आप पुलिस को बुला लो। दो बुला लो वैभव, वो देखो सब देख लो आप। कैमरा लगा हुआ है। इसे कहते हैं क्लियर प्रैंक। कैसा लगा मेरा मजाक? मजा आया? बदला होता है ना ये। अरे साली वाला प्यार है यार, वैसे वाला प्यार नहीं है। तू रहने दे। अरे मतलब अभी भी मतलब वैसे नहीं यार, मतलब नहीं नहीं, इनका मतलब है साली होती है आधी घर वाले। नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, तू सच में मत मर गई हो बहन, जल्दी से सामने देख लो, हाय कर दो। आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। ठीक हो ना तुम? हाँ, ज्यादा ही सीरियस हो गए यार आज तक, ऐसा रैंडमली इतना सीरियस प्रैंक नहीं हुआ है जिंदगी में। मेरे आंसू आ गए सच में, फील में चले गए थे हम लोग, जैस्मिन और मैं। तो अच्छे लगे तो हमारी मेहनत के लिए लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना, और जल्दी से बता देना बेस्ट पार्ट कौन सा लगे। इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, प्रोफाइल भी चल रहा होगा। आज जल्दी से आइडियाज देखो प्रैंक के। लव यू ऑल, बाय।